तो जैसे ही अपना बिहार में गोधन कुटाता है ना, वैसे ही चालू होता है एक बनने के लिए शादी और का। शादी के सीजन में इतना बवाल बवाल काम होता है, जो रात भर डीजे पर नाच करते हैं, रात भर लड़की ताड़ते हैं लोग, उसी के बारे में आज आपको बताने वाले हैं और आपको हंसाने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से बिना समय का जल्दी से वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। शादी में जो एक तरफ हसीन चेहरा और एक तरफ नागे डांस, जो रात भर नाचते हैं ना, बहुत ही मजा आता है हमको भी और देखने वालों को भी। तो आओ यारो शुरू करते हैं। मेरे प्यारे भाई और भौजाई, ओल्ड रजाई का है कि अब मची तबाही। चचा को देख रहे हो, 60 के उम्र में इनको लुगाई जाएगी। ये सोच रहे हैं कि हम वर्ल्ड कप खेलेंगे, लेकिन इनको पता नहीं कि सेमीफाइनल जा जा हिट विकेट क्लीन बोल्ड हो जाएंगे। यार शादी का एक एज होता है, एक सीमा होता है, इस पर अरे बूढ़ी जवानी में मतलब शादी करके क्या उखाड़ लेंगे ये तो इन सब कुछ होने वाला है नहीं कि लेफ्ट चूसने में इनको पूरा रातें बीत जाएगा। हमको जो लगता है ना, शादी करना चाहिए तो केवल ठंड के सीजन में ही शादी करना चाहिए। आपको 3 महीने वो मतलब गर्मी मिलेगा ना शरीर में, जो आपको मतलब कंबल ओढ़ने से भी नहीं मिले, जो आपको लुगाई जो देह में गर्माहट देगी ना 3 महीने तक, दिसंबर जनवरी और फरवरी तीन में ठंड रहता है, 3 महीने में इतना आपको गर्मी मिलेगा कि आप कितना कंबल ओढ़ लीजिए वो आपको सुकून। यार आगे बढ़ने से मेरा एक सवाल था, अगर आपको पता हो तो जरूर कमेंट में बताइएगा। यार जब लड़कों तो का ब्याह हो जाता है, तिलक उलक चढ़ जाता है, तो उन लोगों को मिलता है एगो तौली, तो साला सदिया के बाद देखते हैं कि हमेशा वह तौलिया पहन के घूमता है, एक कोना से वो कोना, एक कोना से कोना। अगर आपको पता हो कहाँ तौलिया पहनता है तो आपको बताइएगा जरूर। एक चचा जो है ना, इनको लगल होगा बहुत जोर से पेशाब, लेकिन रुक कर ले का ले, तो एक कैमरा मैन के चलते रुक ले, कैमरा रुक कर भैया थोड़ा फ्रेम आ जाइए, फोटो बहुत बढ़िया आया होगा, लेकिन भाई साहब को लग गया होगा उसी टाइम पेशाब, तो पेशाब लगेगा तो भैया आपको तो फोटो खिंचाना पड़ेगा ना, और उसी टाइम कैमरा मैन कर लेगा क्लिक। तो भैया जो शादी ब्याह के मामले में जो कैमरा मैन का आजकल चल रहा चाहता ना, अगर शादी में दूल्हे का मामा ना आए चलेगा, लेकिन कैमरा मैन का भैया साटा होना एकदम जरूरी मांगता है। अगर भैया कैमरा मैन नहीं आया ना तो शादी एकदम मैयत लगेगा, एकदम लगेगा कोई कुछ है ही नहीं है। बंदे के साथ क्या हुआ होगा, इस बंदे के साथ हुआ होगा कि दहेज में बोला भैया तुमको देंगे बुलेट 150 cc का और दे दिया होगा साइकिल, तो यही ना होगा जी। शादी में जो दहेज का चल रहा है ना वो बहुत ही मतलब अलग ट्रेंड में चल रहा है भैया। दहेज इतना करोड़ करोड़ रुपये हो जाने की लोग बाप अपना सब कुछ बेच रहा है, फिर भी बेटा वाला सबका मतलब मांगे पूरी नहीं हो रही है। हर जगह हमको बुलेट चाहिए, हमको कार चाहिए, हमको थार चाहिए, हमको महिंद्रा थार चाहिए। भैया ये चलता रहेगा जब तक हम कमाएंगे ना, जब तक हम कमाए कुछ नहीं बनेंगे ना, चल हम शौक सुनाएंगे भैया हमको थार देना तो ब्याह ना करें हम। भैया पढ़ लो, कमाएगा तो मस्त रोज रोज तक दहेज में तुमको मिल सकता है। अगर लुगाई को ऐसे ही तुम गिफ्ट करेगा ना, तो यही आगे चल के तुमको सारा झाड़ू बर्तन पोछा सब तुम ही से करवाएंगे बेटा। अरे यार मुँह दिखाई के दिन तुम अच्छा सा कोई गिफ्ट करो यार, तुम केला मुंह में घुसाओगे तो बीवी लुगाई नाराज हो कि नहीं होगी, तुम्हें छोड़ के भाग लेना चाहिए। अगर ऐसा हरकत रहा तो सुधार जाओ बीवी, मुँह दिखाई पर कुछ अच्छा सा ज्वेलरी गिफ्ट करो ताकि बीवी तुमको खुश रहे और सुधार दिन मस्त आनंद आए। लेकिन साले तुम जब केला गिफ्ट करोगे तो वो मारेगी बेलना जो ही होगा हमारे जनरेशन का। जब तुम साले फेसबुक पे फेक अकाउंट बना के लड़कों को ही टैग करोगे आई लव यू तो साले ऐसे ही शादी होगा ना। तो पढ़ाई लिखाई तो करना है नहीं, अगर पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे तो लौंडे कैसे मिलेगा, कोई लौंडे कैसे देगा हमको। तो पढ़ाई लिखाई कर लो बेटा, टाइम है नहीं, तो लौंडे की जगह तुमको ऐसे ही अपने बेस्ट फ्रेंड से शादी करना पड़ेगा, फिर जिंदगी भर तुमको ऐसे ही दुनी दुखने वाला बेस्ट फ्रेंड और तुम मिल के करते रहना। खैर छोड़िए इन सब बातों को, ये तो बातें मतलब हमेशा चलती रहती है। तो जैसे ही लौंडा शादी में घर पर खाना खा के लिफाफा में 51 रुपये का नोट डाल के दूल्हा के हाथ में लेकर सगुन घर जाने की बात आता है, तब दिखता है हमको एक खूबसूरत नजारा। यही तो देखने जाते थे हम शादी में, अगर ये नहीं दिखेगा तो शादी कैसा भे। शादी में जब तक अप्सरा नहीं दिखे, आंखों को जो सुकून दे वो नहीं दिखे, तो शादी में जाने कोई फायदा ही नहीं बनता है। हम मस्त लौंडे बार बार सेट करके चश्मा लगा के जाते हैं शादी में ताकि कोई सेट हो जाए, हमारा भी सेटिंग हो जाए, अगला साल हमारा भी शादी हो जाए। लेकिन जब तक ऐसा कुछ दिखता नहीं है तो हम टिकेंगे कैसे। कोई रापचिक मत दिख जाए ना तो रात भर लौंडा डीजे पर डांस करता है, रात भर कपड़ा फाड़ के नाचेगा आपके लिए। चलो एक ही जो चीज़ होती है जो हम लोग शादी में रात भर आनंद उठाते हैं, अगर ये नहीं तो ये लौंडे तो कतई बारात जाएंगे नहीं, कुछ समझते नहीं शादी होता क्या है। अगर ये वो रापचिक मत दिख गई ना शादी में, भैया पूरा बारात के लौंडा से रात गुजार। जब रात भर शादी अटेंड कर लेते हैं हम लोग,
जब सुबह घर आते हैं तो साला एक चीज का पछतावा बहुत रहता है कि साला एक घंटा और रुके होते ना तो पियर की फराक अल रहे तो सेट हो जाता हमसे। एक गंदा सोच चला हमेशा दिमाग में, जौने बारात लौटे तोने बारात पता रहेगा कि और एक घंटा रुक जाती ना तो पियर की सेट हो गए थे। लेकिन ना बेटा ऐसे ना, इस तोहरे मन में सबके मन में सोच रहेगा। अगर वीडियो थोड़ा सा आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करके जरूर जाइएगा ताकि हम ऐसे ही आपके लिए और भी वीडियो बना सकें।